हेलो गाइस, तो क्या हाल है आपके। द मिस्टीरियस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं पांच सबसे ज्यादा रेयरेस्ट एनिमल्स जिनके बारे में आपने पहले ना तो कभी सुना होगा और ना ही उन्हें देखा होगा। तो देरी किस बात की, चलिए आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, ओकापी। गाइस, इस ओकापी को देखकर आपको क्या लगता है, क्या ये एक जेब्रा है या फिर एक जिराफ। हम आपको बता दें कि ओकापी के शरीर पर जेब्रा के जैसे ही स्ट्रिप्स बने हुए हैं, लेकिन ओकापी जिराफ्स के रिलेटिव्स हैं। जी हाँ, और हैरान करने वाली बात यह है कि जिराफ के रिलेटिव्स होकर भी इनकी हाइट जिराफ जितनी नहीं है। ये जिराफ से काफी छोटे होते हैं। ओकापी की हाइट 1.5 मीटर से लेकर 1.7 मीटर तक ही होती है, और अगर हम इनकी वजन की बात करें तो ये 200 से 350 केजी तक होते हैं। ये जानवर पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और ये अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में पाए जाते हैं। ओकापी की एक खास बात यह है कि इनकी जीभ बहुत लंबी होती है, जिससे कि ये ऊंची डालियों तक भी आसानी से पहुंच जाते हैं। नंबर 4, अब आप समुद्र के इस जानवर को देखिए, है ना ये काफी क्यूट। इसका नाम है डम्बो ऑक्टोपस, जो कि पानी के 13,000 फीट और इससे भी ज्यादा गहराइयों में रह सकता है। इस ऑक्टोपस के पास दो बड़े बड़े कान भी हैं, जो कि इसे तैरने में मदद करते हैं, और इन्हीं बड़े बड़े कानों के कारण इनका नाम डम्बो ऑक्टोपस पड़ा है। ये ऑक्टोपस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया, फिलीपींस, न्यू गिनिया और इंडियन ओशियन के गहराइयों में पाए जाते हैं। ये ऑक्टोपस क्यूट होने के साथ साथ काफी रेयर है और बहुत ही कम दिखते हैं। नंबर 3, समुद्र के क्यूटी पाई से तो आप मिल लिए, लेकिन अब आप मिलिए समुद्र की ब्यूटी क्वीन से। इनको देखकर तो कोई भी मछली अपना दिल खो बैठेगा, क्यों है ना। बता दे कि इस मछली का नाम है रेड लिप्ड बैटफिश, जो कि इन्हें इनके लाल लाल रंगीन होंठों के कारण ही मिला है। ये मछली गैलापागोस आइलैंड में पाई जाती है, और क्योंकि ये मछली तैर नहीं पाती, इसलिए ये समुद्र के तल पर चलती है और मुश्किल से समुद्र के 376 मीटर डीप तक ही जा पाती है। नंबर 2, अब आप इस सुंदर और रेयर प्राणी से मिलिए जिसका नाम है बुश वाइपर। आपने दुनिया भर के विभिन्न तरीकों के सांपों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने ऐसे सांप को देखा है जिसके शरीर पर पत्ते बने हुए हैं। जी हाँ, बुश वाइपर अफ्रीका के ट्रॉपिकल जंगलों में पाया जाता है। इनका आकार छोटा होता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक होते हैं। जैसा कि इसके शरीर की संरचना है, उस हिसाब से ज्यादातर ये पेड़ों पर ही रहता है और अपना ज्यादातर शिकार रात में ही करता है। नंबर 1, क्या आपने कभी भी इतने सारे पैरों वाले पक्षी को देखा है। नेचर कभी कभी बहुत ही अजीबो गरीब क्रिएचर्स को जन्म देता है। शायद इतने सारे पैरों की वजह से ये पक्षी बहुत तेज दौड़ पाती होगी या फिर बहुत ऊंचाई तक जंप कर पाती होगी, लेकिन ऊंचाई तक जंप तो कंगारूस दो पैरों के साथ ही कर सकते हैं, तो फिर इतने सारे पैरों की जरूरत आखिर पड़ती ही क्यों होगी। चलिए छोड़िए, मैं आपको बता दूं कि इनके पास भी बाकी सभी पक्षियों की तरह दो पैर ही होते हैं। बाकी पैर जो आप देख पा रहे हैं वो दरअसल इनके बच्चों के हैं। जी हाँ, ऑब्वियसली एनिमल्स की दुनिया हम इंसानों की दुनिया से बहुत ही अलग और खतरनाक होती है, जहाँ पर प्रेडेटर्स कभी भी आपको अपना भोजन बना सकते हैं। ऐसे में पापा जगाना अपने बच्चों को अपने विंग्स के अंदर छुपाए रखते हैं, जिससे कि उन्हें हर तरह के खतरे और प्रेडेटर्स से बचा जा सके। खैर, इनके पास बहुत सारे पैर ना हो, लेकिन इनके पैर बहुत बड़े होते हैं, जो कि इन्हें पानी में पड़े पत्तों पर चलने में मदद करते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक दे दे और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारे हर आने वाले अपडेट के बारे में पता चलता रहेगा। साथ ही अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली बार एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ।